ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अव्यक्त तो मुरली क्लब की सुबह के सत्र में। आज की मुरली उर्मिला बहन जी पढ़ेंगे। जी भाई जी, मैं मुरली अपने ऐप पर पढ़ सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते। शुक्रिया। ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में आप सभी का स्वागत। आवाज ठीक है? कोई हाँ बताएंगे जी, आप मेरा स्टार्ट कर आवाज ठीक सकते। है? अच्छा, हाँ जी, आप स्टार्ट कर। ओम शांति। ओम शांति मुरली का टाइटल है, सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन, पार्ट तीसरा। आज बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं, पार्टियों के साथ सदा स्वयं को एक सदा स्वयं को शक्तिशाली आत्मा अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। शक्तिशाली आत्मा का हर संकल्प शक्तिशाली होगा। हर संकल्प में सेवा समाई हुई हो, हर बोल में बाप की याद समाई हो, हर कर्म में बाप जैसा चरित्र समाया हुआ हो, तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा अपने को अनुभव करते हो? मुख में भी बाप, स्मृति में भी बाप और कर्म में भी बाप के चरित्र। इसको कहा जाता है बाप समान शक्तिशाली। ऐसे है, अपने आप से पूछो। एक एक शब्द बाबा, लेकिन यह एक ही शब्द जादू का शब्द है। जैसे जादू में स्वरूप परिवर्तन हो जाता है, यानी जादूगर जैसे सेकंड में सो उनकी परिवर्तन यानी कुछ भी कर सकते हैं, वैसे ही बाबा हमें बोल रहे हैं जादूगर जैसे ही आपका ही सब परिवर्तन स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। एक बाप शब्द समर्थ स्वरूप बना देता है। गुण बदल जाते, कर्म बदल जाते, बोल बदल जाते। यह एक शब्द ही जादू का शब्द है, तो सभी जादूगर बने हो ना? हाँ बाबा, हम सभी जादूगर बने हैं। जादू लगाना आता है ना? बाबा बोला और बाबा का बनाया, ए है जादू। बाबा बोला और बाबा का बनाया, यह है जादू। वरदान भूमि पर आकर वरदाता द्वारा वरदान पाने का भाग्य बनाया है। जो गायन है भाग्य विधाता बाप द्वारा, जो चाहो वह अपने भाग्य की लकीर खींच सकते हो। यह इस समय का वरदान है, यानी बाबा बोल रहे हैं भाग्य विधाता बाबा हमारे हाथ में कलम दी है, तो भाग्य की रेखा हमें जितना चाहिए उतना खींच सकते हैं। तो वरदान के समय को, वरदान के स्थान को कार्य में लाया। वरदान के समय को अमृत वेला, वरदान के स्थान को मधुबन, कार्य में लाया क्या वरदान लिया? जैसे
बाप संपन्न है इसलिए सागर कहा जाता है। सागर का अर्थ ही है संपन्न। बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प किया। बच्चे के लिए गाया जाता है बालक सो मालिक। ये अपना ही गायन है। तो बालक बाप का मालिक है। मालिकपन के नशे में रहने के लिए बाप समान स्वयं को संपन्न बनना पड़े। बाप की विशेषता है सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्वशक्तियों की विशेषता है। तो जो बालक सो मालिक है उनमें भी सर्वशक्तियां होगी। यानी बाबा बोलते हैं हम सभी भी मास्टर सर्वशक्तिवान है, एक शक्ति की भी कमी नहीं, एक शक्ति की भी कमी नहीं। अगर एक भी शक्ति कम रही तो शक्तिवान कहेंगे, सर्वशक्तिवान नहीं। बाबा बोल रहे हैं एक भी शक्ति कम रही तो शक्तिवान कहेंगे, सर्वशक्तिवान नहीं। सिर्फ परमपिता परमात्मा ही सर्वशक्तिवान है और हम सभी मास्टर। तो कौन हो सर्वशक्तिवान? अर्थात जो चाहे वह कर सके, हर कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में हो। संकल्प किया और हुआ। जैसे दादी प्रकाश मणि बोलते थे, संकल्प किया और हुआ, हो पड़ा है। क्योंकि मास्टर है ना, तो आप सब स्वराज्य अधिकारी होना, पहले स्वराज्य फिर विश्व का राज्य। दिल्ली राजधानी में रहने वाले स्वराज्यधारी है ना, यह तो बहुत काल का संस्कार चाहिए। अगर अंत में बनेंगे तो विश्व का राज्य भी कब मिलेगा? वैसे हम बाबा हमेशा याद करते रहते हैं, कौन से कार्य के लिए बहुत काल का अभ्यास। तो यही बाबा भी समझा रहे हैं कि बहुत काल का संस्कार भी चाहिए। अगर अंत में बनेंगे तो विश्व का राज्य भी कब मिलेगा? तो अभी से हमें प्रैक्टिस करना है। बाबा बोल रहे हैं अगर विश्व का राज्य आदि आदि में लेना है तो आदि काल से यह भी संस्कार चाहिए। आदि काल से यानी पहले से ही, बहुत समय का राज्य, बहुत समय के संस्कार। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई भी बड़ी बात नहीं। बाबा बोल रहे हैं आप सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, मास्टर सर्वशक्तिमान, तो आपके लिए ये कौन सी भी बड़ी बात नहीं। दिल्ली निवासी अभी क्या सोच रहे हैं कि सोचते हो महायज्ञ किया, बस चढ़ती कला की ओर जा रहे हो ना, जो किया उससे और आगे आगे चलते चलते अपना राज्य हो जाएगा। अभी तो दूसरे के राज्य में अपना कार्य करना पड़ता है, फिर अपना राज्य हो जाएगा सतयुग में। बाबा समझा रहे हैं अभी
संगम युग में हम दूसरे के राज्य में अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन सतयुग में हमारा राज्य हो जाएगा। प्रकृति भी आपको ऑफर करेगी। प्रकृति जब ऑफर करेगी तो आत्माएं क्या करेगी? आत्माएं तो सिर झुकाएंगी। तो क्या करेंगे अभी, बाबा पूछ रहे हैं। फिर भी जो किया ड्रामा अनुसार हिम्मत उल्लास से कार्य सफल किया, उसके लिए बाप दादा हिम्मत के ऊपर खुश है। बाबा बाबा बहुत खुश है कि मेरे बच्चे हिम्मत और उमंग उल्लास से आगे बढ़ रहे हैं। मेहनत जो की वह तो जमा हो गया, यानी हम जो अभी मेहनत कर रहे हैं वो अभी जमा भी हो गया है। वर्तमान भी बना और भविष्य भी बना, यानी वर्तमान संगम युग में भी हमें उसका फल मिला है और भविष्य में सतयुग में भी उसका वैसे हमें पद मिलेगा। सेवा का बीज अविनाशी होने के कारण कुछ आवाज निकला और कुछ निकलता रहेगा। बीज पढ़ने से अनेक आत्माओं को गुप्त रूप से संदेश मिला। सबकी थकावट तो उतर गई है ना, बाबा पूछ रहे। बच्चे सेवा करके थक गए हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं बच्चे अथक होना चाहिए। तो बाबा पूछ रहे हैं थकावट तो उतर गई है ना, फिर भी बाप दादा का स्नेह सहयोग सदा मिलने से आगे बढ़ते रहेंगे। हम अभी आगे तीव्र गति से बढ़ रहे हैं क्योंकि अव्यक्त बाप दादा का स्नेह अभी भी हमें सहयोग देता है। दिल्ली को भी यह वरदान मिला हुआ है श्रेष्ठ कर्म के निमित्त बनने का। फिर भी सेवा की जन्मभूमि है ना, यानी सेवा की जन्मभूमि है हमारी मधुबन, पुण्य भूमि, तीर्थ स्थान है, परमात्मा का अवतरण भूमि है। तो बाबा ये हमें बोल रहे हैं सेवा की फिर भी सेवा की जन्मभूमि है ना, सेवा की हिस्ट्री में नाम तो जाता है ना, और अनेकों को सेवा के लिए साधन मिल जाता है। सेवा की भूमि में रहने वाले तो वरदानी हो गए ना। ए बाबा बात कर रहे हैं मधुबन निवासियों के लिए, सेवा की भूमि में रहने वाले तो वरदानी हो गए ना। मेहनत बहुत अच्छी की। मुरली का सार। सत्यता की महानता है, सत्यता की महानता है, सत्यता की मान्यता है। सत बाप
सत शिक्षक तथा सत गुरु आकर आत्मा का परमात्मा का आत्मा का परमात्मा का सृष्टि चक्र का सत्य परिचय देकर सत्यता की शक्ति भरते हैं, ने हम सब में सत्य बाबा सत्यता की शक्ति भरते हैं। दूसरा, सत्यता की शक्ति प्रकृति को सतो प्रधान, प्रकृति को सतो प्रधान, युग को सतयुग बना देती है, सर्व आत्माओं की सदगति की तकदीर बना देती है। तीसरा, देवता अर्थात देने वाला अंत में सब प्रकृति के तत्व सबको सहयोग देने वाले देवता बन जाएंगे। बाबा समझा रहे हैं, देवता अर्थात देने वाला अंत में सब प्रकृति के तत्व जो पांच तत्व है वो हम सभी को सहयोग देने वाले देवता बनेंगे। जैसे इंद्र देव वायु देव पांच तत्व है, अग्नि जल आकाश पृथ्वी, ये पांच तत्व के बारे में बाबा बता रहे हैं। भक्ति में सहयोग देने के कर्तव्य के कारण तत्वों को मनुष्य का रूप देते हैं। ओम शांति। अभी हम बाप दादा का याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की अव्यक्त बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम एक मिनट साइलेंस में रह के अपने मुरली पॉइंट्स शेयर करेंगे अनम्यूट करके। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी सुशीला बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। सुशीला बहन परिवार में बाबा ने कहा, देवी देवता अर्थात देने वाला अंत में सब प्रकृति के तत्व के सबको सहयोग देने वाला देवता बन जाएंगे। भक्ति में सहयोग के कर्तव्य के कारण तत्व को मनुष्य का देवता मनुष्य का रूप देते हैं। ओम शांति। जी रेडमी जिनका मोबाइल है वो शेयर कर सकते। ओम शांति। जी
गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है सत्यता के शक्ति प्रकृति को सत्व प्रदान युग को सतयुग बना देती है, सर्व आत्माओं को सतगति की तकदीर बना देती है। ओम शांति। जी नमिता बहन, ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा कि योग बल से सिर्फ आत्मा शुद्ध नहीं होता है, लेकिन सारे विश्व भी परिवर्तन होता है, क्योंकि योग बल सेवा भी करता है प्रकृति की पांचों तत्व भी। बाबा कहते हैं आप प्रकृति के पांचों तत्व भी परिवर्तन होता है। बाबा कहते हैं सत्ययुग में सारे तत्व सत्य और आत्माएं भी सत्य प्रधान थे। जब सत्य प्रधान थे तब हर चीज सत्य प्रधान थे, प्रकृति भी सत्य प्रधान और सब कुछ परफेक्शन थी। वही प्रकृति धीरे धीरे सत्य प्रधान से सत्य में और रज में द्वापर में रज प्रधान में और कलयुग में तमो प्रधान में बन गई। किसी चीज का जब परिवर्तन होता है तो मर्यादा उल्लंघन से यह कष्ट होता है। बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण बच्चों के योग बल से फिर सत्य प्रधान बन जाएगी तो प्रकृति भी सेवाधारी हमारा प्रकृति भी हमारा सेवाधारी बन जाएगी। सत्य स्वरूप बनना, बाबा कहते हैं सत्य स्वरूप बनो, सत्य को जानो, सत्य स्वरूप बनो। तो सत्य स्वरूप बनना माना अपने को जानो, मैं कौन हूँ, मैं किसका संतान हूँ। तो खुद को जानो और बाबा को जानो। तो अपने अंदर का प्रकृति को पहले जानना है, बाबा को जानना, तो हमारा स्व सेवा से सारे विश्व की भी सेवा होगी, विश्व भी परिवर्तन होगी। तो बाबा के तरफ हमारा योग बल दृढ़ है तो प्रकृति भी सहयोग देगी। बाबा कहते हैं सागर का अर्थ है क्या, सागर का अर्थ है सागर माने समाना। बाबा को भी इसलिए सागर कहते हैं क्योंकि बाबा संपन्न है। तो कोई भी परिस्थिति में हम बाबा के साथ परिस्थिति को सामना कर दृढ़ संकल्प में अपने अंदर समा कर सत्यता को बाबा के दृष्टि में देखेंगे तो बाबा भी हमारा मदद सहयोगी बनेंगे। वो हमारा दृष्टिकोण से प्रकृति भी हमको सहयोग देगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, जी आप ओम शुरू कर शांति। सकते हैं। बाबा बोला जे शक्तिशाली आत्मा का हर संकल्प शक्तिशाली होगा, हर संकल्प में सेवा समाई हुई हो, हर बोल में बाप की याद समाई हो, हर कर्म में बाप जैसा चरित्र समाया हुआ, मुख में भी बाप, स्थिति में भी बाप और कर्म में भी बाप के चरित्र, इसको कहा जाता है बाप समान शक्तिशाली। एक शब्द बाबा, लेकिन यह एक ही शब्द शब्द जादू का शब्द है। जैसे जादू में स्वरूप परिवर्तन होगा, ऐसे एक बाप शब्द समर्थ स्वरूप बना देते हैं। गुण बदल जाते, कर्म बदल जाते, बोल बदल जाते, यह एक शब्द ही जादू का शब्द है। बाबा बोला और बाबा का बनाया, यह है जादू। ओम शांति। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो जैसे अभी सिस्टर ने बताया, मेरा भी यही मनन चल रहा कि बाप शब्द एक जादू का शब्द है। तो जो बाप शब्द है वो मुझ आत्मा को समर्थ बनाता है, सर्वगुण संपन्न बनाता है। तो मुझ आत्मा के मुख में, स्मृति में हरदम बाबा शब्द रहे। बाबा बोलने से मुझ में स्व परिवर्तन होता है और सुनने वाले का भी परिवर्तन होता है। तो यह एक जादू का शब्द है, बाप समान बनने का शब्द है। तो बाबा कहते हैं कि हम आत्माओं में ये दृढ़ संकल्प हो कि हमें बाप समान बनना ही है। बालक सो मालिक,
तो मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, एक भी शक्ति की कमी नहीं रहे। हर कर्मेंद्री मेरे कंट्रोल में हो। मन बुद्धि संस्कार ये आत्मिक शक्तियां मेरे कंट्रोल में हो। स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनना है और ये अभ्यास अपने को कंट्रोल, अपने मन बुद्धि को कंट्रोल में रखना, ये अभ्यास बहुत समय का चाहिए और चढ़ती कला में रहना है। हर क्षण पिछले क्षण से आगे बढ़ना है। तो वर्तमान में भी सुख शांति का फल मिलता है और भविष्य में भी, सतयुग में भी हमें राज्य का पद अधिकारी हम बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमें अथक सेवाधारी बनना है और तब बाप दादा का भी सहयोग मिलता रहता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो जैसे अभी आप शेयर कर रहे थे कि हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है, कर्म पे अपना कंट्रोल लाना है, तो सभी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कि आप मतलब आपका अनुभव क्या रहा अभी तक, आपने आपके स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया, है ना। स्थूल भी हो सकता है, जैसे किसी को खान पान का कुछ होगा तो उसने कंट्रोल किया होगा, या सूक्ष्म में भी हो सकता है जैसे मन बुद्धि संस्कारों को। तो ये आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कि आप आपके कर्मेंद्रियों को कैसे कंट्रोल में रखते हो, ताकि हम सभी भाई बहने भी उसका लाभ ले सके, है ना, उस आपके अनुभव का, या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते। ओम शांति। तो कंट्रोल, स्व कंट्रोल, इसमें बाबा कई बार बताते हैं कि हम आत्माओं का ये मन में रहता है कि दूसरी आत्माएं बदल जाएं, उनका काम करने का तरीका बदल जाए। तो बाबा अपनी मुरलियों में बताते हैं कि किसी को भी परिवर्तन करना संभव नहीं है। तो मैं आत्मा अपने आप को बार बार ये रिमाइंड करवाती हूँ कि हर पार्ट फिक्स है, एक्यूरेट है और ड्रामा के अकॉर्डिंग है। तो बाबा कहते हैं कि जब परमात्मा ही किसी के पार्ट को बदल नहीं सकते, तो मैं आत्मा भी किसी के पार्ट को बदलना नहीं है, मुझे खुद को ही बदलना है। और हर पार्ट को देखते हुए मुझे हर्षित ही रहना है कि हर पार्ट कल्याणकारी है, हर पार्ट फिक्स है, कल्याणकारी है। तो ये मैं आत्मा अपने आप को दिन में कई बार ये रिमाइंड करवाती हूँ। जब ये इच्छा जागती है कि दूसरा बदले, तो मुझे ये बार बार खुद को मैं रिमाइंड करवाती हूँ कि मुझे सिर्फ खुद को ही बदलना है, बाकी आत्माओं का पार्ट देख के मुझे हर्षित ही रहना है, प्रसन्न चित ही रहना है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर, है ना। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, है ना, बार बार ये स्मृति में लाना है ना ड्रामा के पॉइंट्स। बहुत सुंदर। और कोई शेयर करना चाहेगा? जो हमने पहले दो पार्ट पढ़े हैं उसमें से भी आप शेयर कर सकते हो, सत्य अर्थात क्या, है ना, रिमाइंडर भी हो जाएगा। बाबा ने पहले मुरली में पहले पार्ट में बताया था सत्य के दो अर्थ, किसी को याद है?
चाहे दो अर्थ। ओम शांति भाई जी। सत्य जी याने भवन, सत याने सत्य और सत याने अविनाशी, दो अर्थ बाबा ने सत्य के बताए थे। जी बहुत अच्छा जी। शेर सिंह भाई जी, आप शेयर कर सकते। बस यही बोलना, दीदी ने बोले सत्य सत्य तेरा सत्य और दूसरा अविनाशी, यही बोलना दीदी ने बोल दिया, एक ही बात है भाई। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और कोई को कुछ शेयर करना है? जी ललिता बहन, आप शेयर कर सकते। ओम शांति। जो बाबा कहते हैं ना, मन बुद्धि को कंट्रोल करना है, तो हम बड़ी बड़ी चीजों में तो कर लेते हैं। जो बाबा ने कहा, हमारी क्रोध पे कंट्रोल तो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि हमारी योग युक्त अवस्था, जैसे जैसे योग में होते हैं तो क्रोध तो अपने आप डाउन हो जाता है। उसके बाद सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्रोध नहीं करना है। और जैसे जैसे हम कहीं भी किसी से बात करते हैं, उस समय हमारी आत्मिक स्थिति होती है। उस समय अगर आत्मिक स्थिति है और बाबा की याद है, तो अपने आप बोल चेंज हो जाता है। वो तेज बोलना, ज्यादा बोलना अपने आप मुंह से होगा ही नहीं। और जितना जितना साइलेंस का अभ्यास करते हैं, साइलेंस का एक प्रैक्टिस, तो साइलेंस दे सबका अनुभव होगा ये चीज भी। जैसे दिन भर साइलेंस रह जाते हैं, तो उसके बाद अगर हम इवनिंग में भी मुंह खोलना चाहें, ताकि हमने इतना देर तक किया, तो मुंह खोलने में बहुत तकलीफ होती है। किसी से बातें लगता है कितना शब्द बोल दिया, मतलब ऐसा नहीं कि ज्ञान के आधार पे वो अपने आप तकलीफ होती है कि इतने में तो हो जाता, मतलब काम चल जाए, ना बोलना पड़े काम चल जाए, ऐसा अपने आप ऑटोमेटिक होता है। और एक जो चीज है, खान पान की जो बात होती है, उस पे बाबा के बहुत सारे बच्चे छूट दे देते हैं। तो मेरे साथ तो गलती हुई हुई है, नया नया ज्ञान में आके बहुत जबरदस्त धारणा थी, बहुत जबरदस्त, क्योंकि सचिन भाई के ऑडियो के थ्रू आए थे, तो बहुत जबरदस्त थी। लेकिन जैसे जैसे भाई बहनों के संपर्क में आए, बड़े बड़े सेंटरों के भाई, तो कहते मीठा तो हमारे सेंटर में छूट दिया जाता है, मीठा तो चलता है, और तो और इतना ज्यादा कि जो वो तो चलो बड़ी बात होगी, लेकिन जो भगवान का प्रसाद होता है, प्रसाद तो खा सकते हैं ना, मीठा चलो भात दाल नहीं खा, चावल दाल नहीं खा सकते, लेकिन वो मीठा तो ले सकते हैं। तो ठीक है, अगर लेना है तो एकदम छोटा सा लो, लेकिन अगर हमने उसके बाद दूसरी तीसरी बाइट ले लिया, अर्थात हमें आसक्ति है। तो इसका एक बहुत सुंदर अनुभव बताती हूँ मैं आपके, अपने ग्रुप की किरण बहन है। आज जितना समय लास्ट हो चुका है, हमें खान पान पे बहुत ज्यादा अटेंशन देना है, बहुत ज्यादा। तो जैसे कि सेंटर का भी जो हम भोग खाते हैं, चीज पहले भी बताया था, उसमें भी अपनी दृष्टि देकर खाना होता है। बहुत सारे सेंटरों में विघ्न आ जाते हैं, तो उस विघ्न का असर सेंटर की बहनों पर पड़ता है, और बहनों के द्वारा बनाया हुआ भोग, वो या वो भोग ना भी बनाए, दूसरों का बनाया हुआ भोग लगाते समय तो बैठती है ना, तो वो असर भोजन में आता है, बहुत जबरदस्त असर आता है। और दूसरा होता है फल। फल के लिए तो बाबा भी परमिशन देते हैं कि फल खा लो, जूस पी लो, लेकिन अगर कोई आत्मा बहुत ज्यादा तकलीफ में है, जैसे बहुत दर्द में है, और वो आप उनके घर गए हुए हो, वो आपको फल काट कर दे रही है, तो आइदर बहुत कड़ी दृष्टि देकर खाए या ना खाए, क्योंकि उसका भी बहुत जबरदस्त असर देखा हुआ है। मैं आपको किरण बहन का उदाहरण दे रही हूँ, बता रहे थे वो यूएस के हैं, तो अपने फ्रेंड से मिलने गए, वो यूएस आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा अपने हस्बैंड से परेशान, बिल्कुल रो रो रखे, तो इन्होंने कहा मैं कुछ नहीं खाना, उन्होंने जबरदस्ती दो एप्पल काट के, दो एप्पल के दो पीसेस काट के दिया। वो खा के जैसे ही नीचे उतरे, वो जितना नहीं रो रही होंगी, उससे ज्यादा उनको रोना आ रहा था, वो अपनी गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर पा रहे थे, बहुत जबरदस्त रोना। तो अब तो समय इतना आ गया कि हमको फल पानी दूध चाय जो भी लेना हो ना, उसमें भी कड़ी से कड़ी दृष्टि देकर खाए। और अगर कहीं हमने थोड़ा से ज्यादा खाया, तो समझ लीजिएगा आपकी आसक्ति है, लंबे समय का अभ्यास नहीं है। जी, किसी को लास्ट पॉइंट शेयर करना है? हाँ जी, ओम ओके, अभी शांति। तो जो हाँ जी मन है ना, हमारी इंद्रियों को वो अपने अधीन कर लेता है, बनाता है। तो इंद्रिया से जो हम कार्य करते हैं, वह हमारे
हमारी कौन कौन से, जो दो आंख दो हाथ दो पैर एक नासिका, तो हमारी इंद्रियों से जो सारे काम हम मन के आज्ञा अनुसार ही करते हैं, क्योंकि क्योंकि मन बाहर की दुनिया में लगा कर रखता है। तो अब हमने क्या करना है, इस मन को अपनी कर्म इंद्रिय आत्मा द्वारा बुद्धि को ऊंचा उठाना है। तो मन को बुद्धि के अधीन करना है। इससे क्या होगा कि हमारे ऊपर जो मन भारी है, जैसे आपने अभी बताया कि उस तरह लिया, तो जैसे हम जब कोई भी कार्य करते तो हमारी बुद्धि, हमने बुद्धि जो बोलते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। तो बुद्धि बुद्धि के अधीन को हमने मन करना है। और मन जब हम करेंगे तो वहां पर हमें उस कर्मेंद्रियों द्वारा जब हम एक सुंदर सा चित्र बना लेते हैं, जैसे आपने बोला दृष्टि डालनी है, तो हमारे मन में भारी असर नहीं होगा। तो इस बाहरी वस्तुओं से हमें लगाव नहीं रखना है, और हमारे अंतर मन की जो आवाज को भी सुनना है। और उस आवाज से क्या होगा, हमारे अंतर मन में जो छोटी छोटी बातें आई हुई है उसके अधीन ना हो करके हमें कर्म इंद्रियों को वश में करके बुद्धि द्वारा जो हम संस्कार करते हैं वो कर्म में आते हैं। तो वो कर्म हमें उच्च श्रेष्ठ ही करना है। ओम शांति। जी, अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप सभी को पोल दिखाई दे, और बाद में बहन योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ये जो पोल लॉन्च हम कर रहे हैं ये जो भी मुरलियों में अभ्यास बाबा देते हैं उसके आधार पर बनाया जाता है। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप किसी भी होस्ट या को-होस्ट को भेज सकते हैं ताकि आपके सुझाव के अनुसार हम पोल भी बना सकते हैं। और यदि किसी को मुरली रीड करनी है तो भी आप किसी होस्ट या को-होस्ट को आपका नाम दीजिए ताकि आपको भी मुरली रीड करने का चांस मिल सकता है। तो ये 500 रुपये का ड्रिल का अभ्यास दो आत्माओं ने 10 से अधिक बार किया है, 7 आत्माओं ने 5 से 10 बार किया है, 14 आत्माओं ने 1 से 5 बार किया है ना। बाबा का ऑफिशियली कहना है कि कम से कम 8 बार तो होना ही चाहिए, है ना। तो हम भी अपना लक्ष्य रखें और कम से कम 8 बार तो हमारा 500 रुपये का ड्रिल हो जाए। जी बहन, अभी आप योग करा सकते हो और होमवर्क भी दे सकते हो। उर्मिला बहन, आप योग करा सकते हैं अभी और होमवर्क भी दे सकते हैं। उर्मिला बहन, आप हैं हमारे साथ? ओके, तो आज का होमवर्क हम ये लेते हैं कि हम अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे, है ना। स्थूल कर्म इंद्रियों का तो योग से होगा, जैसे किसी को खान पान में कुछ आसक्ति है तो जैसे जैसे हम योग बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो आसक्ति कम होती जाएगी, है ना। ऐसे स्थूल में भी हमें कंट्रोल करना है, लेकिन जो परमानेंट और अल्टीमेट सॉल्यूशन है योग की शक्ति को बढ़ाना है ताकि उसमें आसक्ति न जाए। और हम मन बुद्धि संस्कारों को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, एक तो राज दरबार लगाएंगे, है ना, जैसे सभी लगाते होंगे लेकिन उसका क्वांटिटी बढ़ाना है, दिन में भी 1 बार लगाना है ना। हम तो हमारा लक्ष्य 4 बार का है, तो आप जितना बार लगा सकते हो उतना लगाना है ना, उतना मतलब इंटरवल में लगाना है। दूसरा, मालिकपन की स्थिति से हमें अपने कर्मेंद्रों को कंट्रोल में करने का प्रयास करना है सारे दिन भर। जी उर्मिला बहन, आप हाँ जी, अभी योग करा सकते हैं। हाँ जी, एक वरदान हम लेंगे सर, कि बाबा का वरदान आज का, हिम्मत और उमंग उत्साह से कार्य सफल होता है। अब 2 मिनट हम योग करेंगे। सभी भाई भाई बहन
अलर्ट होकर बैठे, मन बुद्धि परम धाम में शिव बाबा के साथ और ब्रह्मा बाप कंबाइंड स्वरूप में। ओम शांति। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के श्रेष्ठ संग का अनुभव कर रही हूँ। महसूस करती हूँ बाबा की सुख शांति शक्तियों की किरणें मुझे आत्मा में समा रही है। भरपूर होकर मैं आत्मा सुख शांति शक्तियों की किरणें सारे विश्व में फैला रही हूँ। पांचों तत्व सहित, पांचों तत्व शुद्ध शांत सतो प्रधान बन सृष्टि की सेवा कर रहे हैं। विश्व के हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना दुखी पीड़ित निर्बल आत्मा प्रति सकाश सकाश सकाश। बाबा शुक्रिया। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दी। दीदी। ओम शांति दी। थैंक्स थैंक्स मेरे दीदी। लिए। थैंक्स प्रिया दीदी। थैंक थैंक यू बाबा। ओम शांति। गुड डे ऑल शांति। तपस्वी। ओम शांति। थैंक्स बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा। बाबा। शुक्रिया प्रिया दीदी।